हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इनका इम्पॉर्टेंट MIQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। गाइस, मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के भी आज इम्पॉर्टेंट इसके बता दूंगा। हालांकि गाइस देखो, न्यूमेरिकल के लिए मैं कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकता और कोई इम्पॉर्टेंट बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला, इसलिए मैंने बता दिया कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगे। लेकिन कभी भी न्यूमेरिकल जो होते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते नहीं, मतलब देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी भी कोई भी आ सकता है, इसीलिए वहां पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये न्यूमेरिकल ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है ये नहीं आ सकता है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल बता दिया, उनको तो एटलीस्ट आप करके ही जाना, जितने मैंने बता दिए उनको आप करके ही जाना, और बाकी आप खुद से सोच लेना कि कौन से आपको करने, कौन से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन थियरी में प्रॉपर 100% पूरा जो है वो आप करके जाओगे, 100% आपको फायदा होगा, ठीक है माय डियर। सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, ये केमिस्ट्री का वीडियो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्लीज पूरे वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके नोट्स आपको शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते गाइस। तो ये है सॉलिड स्टेट, सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों के लिए सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर है, इसका मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो माय डियर, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा, 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको हटाया नहीं है, तो इसके लिए माय डियर ये आपको कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कि इसके अंदर मेटालिक, आयोनिक, जितने भी पार्ट से सब पूछ सकता है, कोई भी एक आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफिनेशन बस आप याद कर लेना, लैटिस की, क्रिस्टल की डेफिनेशन और बेसिस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है और उसके टाइप्स जो भी हैं, ठीक है, ये बस इतना आपको करना है। ये एग्जाम में ज्यादा मुझे लगता है आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, हालांकि इनमें से सब आ सकते हैं, कोई भी आएगा ही आएगा, इनमें से ही आएंगे। 7, 8, 10 क्वेश्चन दिया हूं, उनमें से बाहर अगर एक भी क्वेश्चन मिल गया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आप चाहे अपने प्रैक्टिकल प्रीलियम में भी इन क्वेश्चन को पढ़ के जाओ, और प्रीलियम में भी आपकी यहीं से कहीं से मिल सकती हैं, ठीक है, ये आपको समझ के रखनी है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नाउ नेक्स्ट है माय डियर अपना क्वेश्चन नंबर 5th है, जो क्वेश्चन नंबर 5th, यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम को डिफाइन करना है, मतलब डिस्क्राइब करना है इसको, जैसे क्यूबिक सिस्टम हो गया, फिर क्यूबिक प्राइमरी वाला हो गया, फिर ऐसे सारे आपको समझाने हैं, ठीक है। कोई एक एग्जाम में अगर आएगा तो 3 मार्क्स को आ सकता है माय डियर, ओके। नेक्स्ट है, अभी देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा एग्जाम में अब तक पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में आता है हमेशा, क्वेश्चन नंबर 6, ये आएगा तो 4 या 5 मार्क्स के लिए 100% आएगा। तो माय डियर, मोलार मास क्या होता है, डेंसिटी और एज लेंथ, इनके बीच में एक रिलेशन, ठीक है, ये जो डेंसिटी इज इक्वल टू आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा समथिंग रिलेशन, ठीक है, वो रिलेशन आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब पैकेजिंग, पैकेजिंग आपको बतानी है क्रिस्टल की। FCC तो आपको रिड्यूस कर दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड, यही आप इन दोनों में से कोई एक आएगा, और ज्यादा तो कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। और पैकेजिंग एफिशिएंसी 1 या 2 मार्क्स के लिए ये पूछ लेगा, बोलेगा डिफाइन पैकेजिंग एफिशिएंसी, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ओके। और अगर ज्यादा होगा तो पॉइंट डिफेक्ट में से कोई भी डिफेक्ट पूछ लेगा, चाहे स्टोइकोमेट्रिक है, वैलेंसी डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट में से, जितने भी पॉइंट डिफेक्ट में डिफेक्ट आते हैं, मैंने वीडियो अच्छे से बना के रखी है इनकी, तो जितने भी पॉइंट डिफेक्ट के अंदर डिफेक्ट आते हैं माय डियर, वो कोई भी उनमें से पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके माय डियर। चलो अब न्यूमेरिकल की बात आती है, तो न्यूमेरिकल में माय डियर क्वेश्चन नंबर 6, 10, 5, 9 और 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, ये ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चन है, और बाकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सारे कर लेना प्लीज, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई प्रोडक्शन नहीं, दुनिया का कोई टीचर आपको न्यूमेरिकल में बोलेगा नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल में वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है, आपके एक्सरसाइज का ही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन उसके अंदर की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन पेपर यूनिक लगता है, ठीक है। सो इसके लिए न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, वो आपके पीछे के एक्सरसाइज से ज्यादातर आते हैं, मतलब देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यार एक्सरसाइज से कितना आता है और कहां से आता है, तो एक बात ध्यान रखो, 70 से 70% एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही होते हैं, बचेंगे 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 30% क्वेश्चन क्या रहता है ना, कि वो या तो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में से, या तो टीचर कुछ भी बीच में से अपना बना के देगा, मतलब आपको फॉर्मूला आपको याद करके रखोगे, उन फॉर्मूले के बेस पे कुछ भी एक क्वेश्चन बना के देगा, तो 30% यहां से आता है, लेकिन 60-70% सॉल्व एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज यहां से ही रहेगा। आप चाहो तो पीछे के 5 साल के पेपर उठा के देख लो और आपको सारा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हालांकि अब देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया ना, तो अब क्या टेंशन है, मैं देख के ही आपको बता रहा हूं अच्छे से, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप लोग फॉलो करो अच्छे से,
ओके, इन सारी चीजों को जो मैं बताता हूं एट द एंड, इस चैप्टर के एंड में बोलूंगा एक ही चीज और फिर अगले चैप्टर में हम चलेंगे, ठीक है? कि जब तक ध्यान देना चाहिए, जब तक होगा नहीं तब तक करता रहूंगा, प्रॉब्लम आएगी हिमालय से डटा रहूंगा। गाइस जस्ट मैंने एक थॉट्स आपके लिए बनाई है, बस इसको हमेशा याद रखना। जब भी आपको लगे मतलब कि यार मेरे से पढ़ के नहीं हो रहा है, अब क्या होगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाई है गाइस कि सितंबर से स्टडी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे आप बेटर कर सकते हो, तो उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, प्लीज जाओ उसे वॉच कर लो। और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको नहीं हो पाएगा तो बस इसी चीज को याद रखना कि जब तक होगा नहीं तब तक करता ही रहूंगा, प्रॉब्लम आएगी हिमालय से डटा रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप कैसे आगे जाओगे यार, प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। नाउ चैप्टर नंबर टू, नाउ क्वेश्चन नंबर वन है चैप्टर नंबर टू में, मतलब सॉल्यूशन में, कि डिफाइन सॉल्यूशन एग्जैक्टली व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है? एंड उसके जो टाइप्स है वो आपको बताने हैं, एग्जाम में दो मार्क्स को पूछा जा सकता है अगर सिंपल पेपर बनाया तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, कैसा भी पेपर आने दो सॉल्युबिलिटी पूछेगा, उसके फैक्टर्स कौन कौन से जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर एंड मेनी मोर सारी चीजें, ठीक है? तो ये सब आपको फैक्टर्स कोई भी आपको आ सकता है, मतलब दो से तीन चार फैक्टर आप पढ़ के चले जाना और सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, दो से तीन मार्क्स का क्वेश्चन ये 100% आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज क्वेश्चन आर, ये आएगा तो सीधा बड़े मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए, ये आएगा तो दो से तीन मार्क्स के लिए, लेकिन आएंगे जरूर, एक कोई ना कोई 100% फंसेगा यार। राउल्ट्स लॉ 2017 एग्जाम में आया था, 2017 एग्जाम में आया था, तो इस तरीके से राउल्ट्स लॉ अपना आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको राउल्ट्स लॉ के ऊपर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि ये भाई एग्जाम में आता है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात, यहां पे आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है, दो मार्क्स को पूछा जा सकता है। कोई भी सम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेंशन करो, ये एक या दो मार्क्स के लिए पूछता है। डिस्क्राइब वेपर प्रेशर लोवरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो ये एग्जाम में माइंड, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा विद डिस्क्रिप्शन। आपको अच्छे से कम 7 से 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, प्लस दूसरी बात आपको अच्छे से ग्राफ बनाना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। मे बी गाइज बॉइलिंग पॉइंट की जगह में फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इन दोनों में से कोई भी आएगा, या फिर वेपर प्रेशर लोवरिंग के ऊपर। ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है और ये टीचर पूछता ही देता ही देता है। नेक्स्ट है अगर बहुत आसान सा पेपर बना है तो ऑस्मोसिस डिफाइन कर दो और ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ क्या है, और एट दी एंड 2 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट ले लो यार। और डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफाइन, 3 मार्क्स को पिछले साल के पेपर में ये भी आया था, 3 मार्क्स को क्वेश्चन, ठीक है? और क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इनको तो पूछता ही पूछता है टीचर, मतलब टीचर बिना बुक देखे उसको यही याद ही रहता है कि यही क्वेश्चन दे देते हैं। तो हाइपरटोनिक और मतलब हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करो या डिफाइन करो, ये 3 मार्क्स को तीनों पूछ लेगा। और लास्ट क्वेश्चन है अगर ज्यादा ही अच्छे से पूछ ले तो डिस्क्राइब रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर 3 मार्क्स, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे छोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी आते हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो डिस्क्राइब रिवर्स ऑस्मोसिस ये ऐसे ही पूछ लेगा और आपको बताना पड़ेगा, तो ऑस्मोसिस पे ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। न्यूमेरिकल की अगर बात करूं तो आप 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल खुद से सारे कर लेना, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 जितने क्वेश्चन लिया, जरूरी नहीं कि इनमें से न्यूमेरिकल ही फंसे आपको, मैंने देख के अच्छे से दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक में जो है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 9, 10, 11 इनको छोड़ के मत जाना पीछे के एक्सरसाइज में से, और बाकी थियरी के लिए तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिया है, ठीक है? चलो तो एट द एंड गाइस इस चैप्टर का सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में चलूंगा, कि ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेस्ट इन योर डिजायर्ड फील्ड, आपका जो फील्ड है उस फील्ड में आपका बेस्ट बनो, वरना फिर आप वो फील्ड ही चूज मत करो। तो अब पहली बात तो क्या करो कि आराम से बैठो, मस्त 1 घंटे अपने को टाइम दो और बस सोचो कि मुझे क्या करना है, और सोचने के बाद अपना दुनिया में ये बनूंगा मैं इस तारीख को, आज से 5 ईयर्स बाद मैं यहां रहूंगा, वो आप अपने आप को देख लो और फिर उसी के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं कि आपका टीचर मतलब यहाँ पे स्टडी का फील्ड हो, मे बी डांसिंग स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी आपको कहाँ जाना है, बट हाँ उसके लिए फिर पूरा डेडिकेशन बोल रहा हूँ ना, मतलब उस चीज के लिए करके दिखाना है तो करके दिखाना है, चाहे पहाड़ इधर से उधर हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, करना है तो करना है, नहीं तो फिर क्यों यार, फिर जब कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना तो पढ़ने में आगे हो, ना कॉमेडी में आगे हो, ना डांस में आगे हो, और ना सिंगिंग में आगे हो, ना किधर भी आगे, तो फिर काहे के लिए हो दुनिया में, ऐसा मुझे लगता है। तो किसी न किसी फील्ड में आपके अंदर एबिलिटी होगी ही होगी, बस उसको खुद से पहचान लो, ठीक है? चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, अगला चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया।
आयोनिक इक्विलिब्रियम माय डियर चैप्टर नंबर, ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत हार्ड लगता है। हार्ड इसलिए लगता है कि उनको, क्योंकि उनको नाइन्थ क्लास का सोचो, आपको हंसी आएगी सुन के, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 उनको नहीं आता है। इसके लिए ये आयोनिक इक्विलिब्रिया उनको नहीं आता है। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, एक बार 3 वाला नहीं पढ़ोगे इट्स ओके, 4 और 5 पढ़ लो जाके। 9th का अभी भी मौका है, एक दिन में खत्म कर दोगे तुम लोग पढ़ के, इतनी एबिलिटी है तुम्हारे में। तो जाके एक बार पढ़ के देखो और फिर आयोनिक इक्विलिब्रिया अपने क्लास का पढ़ो, फिर मजा आएगा आपको। आप बोलोगे कि सच में सर आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। तो एक बार देखो, आप जाके एक बार करके देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पहली बार एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा पूछता है, पता ना वो अल्फा वाली वैल्यू बताओ, वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स को आता ही आता है, ये दोनों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छे से पढ़ के जाना, मस्त बताना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इसकी मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, 100% श्योरिटी है। चाहे अर्नेस थियरी आ जाए, या ब्रॉन्स्टेड लॉनी थियरी आ जाए, या फिर लेविस थियरी आ जाए, ये फिलहाल एसिड बेस की थियरीज है। कोई एक 100% आएगा, कभी कभी 2 भी पूछ सकता है, तो कभी कभी रिलेशन भी पूछ सकता है, हाँ, लेकिन भूल के छोड़ के मत जाना प्लीज, नहीं तो फिर क्या पढ़ के जाओगे फिर, अगर इनको पढ़ के नहीं जाओगे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ऑलवेज देखो यहाँ पे ध्यान दो, ऑस्टोल डाइल्यूशन फॉर अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। अब या तो वीक बेस पे पूछेगा या तो फिर वीक एसिड पे पूछेगा, बट एक के ही लिए पूछेगा, कभी भी दोनों के लिए नहीं पूछेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर भी इसीलिए मैंने आपको दोनों दे दिया है, या तो इसके लिए पूछेगा या तो इसके लिए पूछेगा, और अगर आएगा भी तो 3 मार्क्स से नीचे आएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे जिसको पास होना है वो भी अगर पढ़ के जाती है, तो यहाँ पे पीएच और पीओएच में रिलेशन पता ना क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, यही होता है, ये रिलेशन आपको पढ़ के जाना, ये एग्जाम में आता है, हमेशा पूछती है 3 से 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, बहुत सारे 3 से 6 टाइप्स है, वहां पे जाके पढ़ लो एक बार, एसिड बेस बेस एसिड 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 बेस बेस, ऐसा आपको मिलेगा, तो जस्ट वो टाइप को याद कर लो और कुछ नहीं, आज की आज ही याद कर लो जाके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बफर्स गिव, यहां पे ध्यान दो, बफर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, बफर एक्शन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, मेरा मन और मेरी दिल भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं कहूंगा कि टाइम पास मत करो और इस क्वेश्चन को ना आज के आज ही कर लो, व्हाट इज बफर एक्शन, और आज पढ़ के खत्म कर दो इसको, गैप भाड़ में आज इसको खत्म करके फेंक दो, कि बफर एक्शन खत्म कर देना तो कर देना है, और उसकी अगर एप्लीकेशन पढ़ना है तो 1-2 कर लो, 2 एप्लीकेशन एटलीस्ट पढ़ के जाना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया, डिस्क्राइब कॉमन आयन इफेक्ट, ये कभी कभी डेफिनेशन में भी पूछता है, डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट, ये 2 मार्क्स को एग्जाम में आएगा, 2 से ज्यादा की इसकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करूंगा तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के ऊपर आपको यहाँ पे क्या बनाना है, रिलेशन बताना है, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना माय डियर, तो ये 4 से 5 मार्क्स यानी ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। और ये रिलेशन आपको देना पड़ेगा, मैक्सिमम 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, और जो रिलेशन होगा वो रिलेशन लिख के बताना है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आपको जान के रखना है। चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 4 का 9th वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो 6th वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th और 10th पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th छोड़ के मत जाना, और क्वेश्चन नंबर 4 का 7th और 6th वाला छोड़ के बिल्कुल भी आपको जाना नहीं है, इनको मत छोड़ना, बाकी फिर भले छोड़ देना। हाँ, और 2 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में शायद, वहां पे बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्लीज उन सभी को कर लेना। मैं तो कहूंगा कि एक्सरसाइज के ना पीछे का जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको कभी छोड़ के नहीं जाने का, उनको पूरा करके जाने का, पूरा का पूरा करके जाने का, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो गाइज एट द एंड फिर से कहूंगा, दुनिया में कुछ पाना है तो सपने देखो, देखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो, पहले सपने तो देखो, सपने में देखते हो तुमको, तुम्हारा टारगेट ही नहीं पता तुमको बनना क्या है, ठीक है, मैं तुमको ये बात सिंपल से बता रहा हूं, तुमको तुम्हारा टारगेट ही नहीं पता है, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। माय डियर आपको विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा आपको बता रहा हूं मैं, जिसको कुछ टारगेट होता है, जिसको कुछ लक्ष्य होता है, जिसको कुछ बनना होता है, उसके सपने में भी वही सपने आते कि मैं ये बन गया। मैं ये चीज अपने खुद के एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूं। मैं एकदम जब 10th में था और मैथमेटिक्स था, हमारे सर ने बोला कि जो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते जो टॉपर्स होते हैं उनको मैथ सपने में भी आती है। मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे खुश हंसी आ रही थी,
लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे, बहुत दिन हो गया, अक्टूबर नवंबर में दिल लगा के पढ़ रहा था, और मैथ्स का एक दिन क्वेश्चन हमारा हमारे में सिमिलरिटी चैप्टर था, और उसमें पाइथागोरस थियरम एक आया था। पाइथागोरस थियरम का जो क्वेश्चन था, वो थियरम मैंने सपने में सॉल्व किया था, ये बिलीव करो। और गाइज, और जब मैं मैथ्स में गया तो मुझे 96 मिले, हालांकि आउट ऑफ आने चाहिए थे बट नहीं आए 10th में। तो सोचो, अगर ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो चीज़ हम शिद्दत से चाहते हैं वो हमारे सपने भी आने लगता है, और तब समझ लेना कि वो तुमको सक्सेस दिला के रहेगा। अब तुम थोड़ा अच्छी जगह में पहुंच चुके हो, और अगर तुम जो सोचते हो, जो खुली आंखों से सपने देखते हो, अगर वो बंद आंखों में भी सपने वो नहीं आते वही चीज़ सेम, तो समझ लो कि तुम तो अभी वो टारगेट तुम्हारा है ही नहीं। तुम ऐसे ही बोल दिया, हाँ चलो मुझे भी बनना है, लो वो बन रहा है तो मैं भी बनूंगा, ऐसा आप सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत रास्ते में हो आप फिर, ठीक है? थोड़ा सा ये अपने आप को हिम्मत में रखो। टाइम टेबल मैंने बहुत चीजें आपको गाइड किया यार, आप वीडियो जाके एक बार देखो तो बहुत सारी चीज टाइम टेबल बताया है, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट की सीरीज अभी ला के लेके ही चल रहा हूं मैं, ठीक है? और पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिया मैंने, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाकी है, और क्या चाहिए तुमको सब फिजिक्स है, बायोलॉजी, मैथ्स, मैथ भी जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के पहले नोट्स के साथ देता हूं। मैथ्स की नोट्स कोई नहीं दे रहा, मैं तुमको मैथ्स की नोट्स दे रहा हूं, जिससे कि आप आराम से सॉल्यूशन, आराम से सपोज आप फोन चला रहे हो तो इंस्टाग्राम के जगह पे उन नोट्स को मेरे बार बार देख सको, क्योंकि मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत बड़ी होती है, तो मैं आपको छोटी छोटी जो नोट्स है तो नोट्स को आप ऐसा गो थ्रू करते रहोगे, अगर बुक में मजा नहीं आता तो फोन की जगह में वही नोट्स को घुमाओगे, समझ गया, तो फायदे में रहोगे, इसलिए बोलता हूं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को भेज दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी का फायदा हो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि नई नई अपडेट्स मिलती रहे, नई वीडियो की नोटिफिकेशन, मैं रोज 2 से 3 वीडियो डालता हूं, आपको नोटिफिकेशन रोज मिलती रहे, ठीक है गाइस? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।